दो दिन पहले जो आपने बात की नारनौंद पे जो जनसभा में बयान दिया है वो बड़ा ही अपने आप में उस बयान को एक बड़बोला बयान कहा जा सकता है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि पार्टी उनके कारण जीतती है, तो मुझे लगता है इस तरह का जो पार्टी से ऊपर का बयान ये मुझे लगता माना जा सकता है। और इस प्रकार के बयान पहले भी रामकुमार गौतम देते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, राजनीति में नेताओं का एक दूसरे पर दोष प्रत्यादोष लगाना बड़ी आम सी बात है, लेकिन कई बार अपनी ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के बारे में ऐसे बड़बोले बोल ऐसे शब्द बोल जाते हैं कई बार जो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक चर्चा है आज पंडित राम कुमार गौतम जी के बारे में, जो सफीदों से विधायक है। उन्होंने आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कुछ बातें कही हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जब कोई नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करता है, ऊपर जाकर कोई बात करता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, बीजेपी के जो विधायक हैं सफीदों से, पंडित राम कुमार गौतम जी, इससे पहले वो भाजपा में थे और भाजपा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उन्होंने पिछले दिनों नारनौंद में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जीती है तो वो मेरी वजह से जीती है। तो क्या रामकुमार गौतम जो है वो पार्टी लाइन से ऊपर हो गए, या मंत्री ना बनने की जो पीड़ा है उनके अंदर, कहीं ना कहीं वो दर्द जो था वो बाहर आ रहा था, क्योंकि भाजपा में रहते हुए भी मंत्री ना बनने का जो दर्द था वो कहीं ना कहीं कई बार वो बयान कर चुके हैं, तो क्या लगता है इसके बारे में आपको? देखिए, रामकुमार गौतम जी जो अब की बार सफीदों से विधायक बने हैं जी, और पहले दो बार जो नारनौंद से विधायक रह चुके हैं, 2005 में वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे और फिर 2019 में जो जननायक जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। जो 78 वर्षीय रामकुमार गौतम बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, विधायक हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका इस प्रकार के जो बयान देना जबकि पार्टी उनके कारण ही चुनाव में जीती है और नहीं तो अगर वो ना होते तो पार्टी की 30-32 सीट ही आ पाती, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन है उनके खिलाफ उनका बयान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भी विधानसभा जो भी विधानसभा का चुनाव जीतती है या लोकसभा का चुनाव जीतती है, उनका वो अपना जो पार्टी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती आई है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक ही लाइन पर बात करती है, उनका लीडर एक ही लाइन पर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के और उनके कार्यक्रमों और उनकी जो एक जो उनका एक पहचान है उनकी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन दो दिन पहले जो आपने बात की नारनौंद में जो जनसभा में बयान दिया है वो बड़ा ही अपने आप में उस बयान को एक बड़बोला बयान कहा जा सकता है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि पार्टी उनके कारण जीती है, तो मुझे लगता है इस तरह का जो पार्टी से ऊपर का बयान ये मुझे लगता है माना जा सकता है। और इस प्रकार के बयान पहले भी रामकुमार गौतम देते रहे हैं, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे भाजपा में विधायक थे जब की बात हो, तो चुनाव में भी उन्होंने कई प्रकार के इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं वो भी एक सुर्खियों में रहे हैं और उनकी एक मुझे लगता है पहचान सी बन गई है इस तरह के जो बयान वो बार बार। हाँ बिल्कुल, बड़बोले बयान देते रहे हैं, बार बार जो देते रहे हैं उन्होंने, बल्कि चुनाव कैंपेन के दौरान तो यहाँ तक कहा था कि जो मुझे वोट देगा वो फले फूलेगा और जो वोट नहीं देगा उसका बीज नाश होगा, इतनी इस तरह की जो मुझे लगता है। हाँ, एक ऐसे नेता, मतलब नेता जो है प्रतिनिधि होता है जनता का, ऐसी नेता शब्द, एक आदर्श होता है लोगों का बिल्कुल, और एक प्रतिनिधि होता है और इस तरह के शब्द जो है उनकी लाइन पे बोलते हैं नेता के लोग, नेता की लाइन पे आम कार्यकर्ता भी आम जनता भी उनको फॉलो करते है, लेकिन इस तरह के जो बयान देना मुझे लगता है राजनीति में बहुत सोच समझ कर बात, खास करके जब आप अपनी ही पार्टी की सभा को संबोधित कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ इस तरह के बयान देखे कि मेरे ब्याप पे पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपने आप को बड़ा मान बैठे,
तो ये उनकी एक पहचान बन चुकी है, लेकिन इस और पार्टी क्या ध्यान देगी और क्या संज्ञान लेगी ये तो पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। नानोद में एक जनरल मीटिंग में जो जैसे अभी आप बता रहे हैं बात हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कुर्सी मुझे मिली तो मैं सारे कर्ज उतार दूंगा, तो वो विधायक है तो विधायक की कुर्सी उनको मिल गई है, क्या विधायक की कुर्सी को वो पावर नहीं मानते? देखिए पिछली जो विधानसभा थी उसमें भी वो जसपा से विधायक थे और उनकी पीड़ा कई बार विधानसभा में भी और कई बार बाहर भी सार्वजनिक रूप से भी वो पीड़ा अपने बयां करते आए कि उनको जो मंत्री पद नहीं मिला और कहीं ना कहीं एक विधानसभा में और नहीं बल्कि उसमें सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के सामने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला के बारे में जो डिप्टी सीएम थे पिछली विधान उसमें सरकार में उनके बारे में ये कहा था कि खोपर अकेला ही जीत गया है, कि हरियाणवी का एक वो फ्रेस है एक इस तरह की जो हरियाणवी भाषा में कहा जाता है कि सब कुछ अकेला ही खा गया, तो इस तरह की भाषा यूज करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उनके दिमाग में एक वो ट्रेंड बन चुका है और लोग उनको सुनते हैं कैसे लेते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन पार्टी लाइन से मुझे लगता है पार्टी लाइन से ऊपर की बयानबाजी उनकी हो सकती है और मुझे लगता है इस तरह की राजनीति में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और उनके इस बयान से ऐसे लगता है कहीं ना कहीं उसको मंत्री उनको है ना मंत्री पद मंत्री मतलब वो मंत्री पद को मंत्री पद को कहीं ना कहीं कुर्सी समझते हैं और वो विधायक को कुर्सी नहीं समझते हैं। विधायक सत्ता पक्ष की जो सत्ता पक्ष सत्तारूढ़ पार्टी है उनके विधायक हैं और उनमें भी कम पावर नहीं है, अगर जनता के काम करना चाहें जनता की भलाई के काम करना चाहें और तो मुझे लगता है अब उनके पास पावर में विधायक के रूप में कोई कमी नहीं है और चाहे विधानसभा में बात हो चाहे अपने इलाके की बात उठाने की बात हो अपने लोगों के जो जो उनके वोटर हैं या आम जनता उनके भलाई की जो योजनाएं बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये कहते हैं कि कुर्सी मिले तो इसका मतलब कुर्सी नहीं मिली, जनता ने उनको विधायक बना दिया है और विधायक की अपने आप में एक बहुत पावर होती पावर है क्योंकि एक विधानसभा का वो प्रतिनिधि होता है जी जी। और अपने जो विधानसभा का क्षेत्र है उसके लिए पूरी मतलब एक दमदार तरीके से अपनी समस्याओं को सामने रख सकता है और अपनी बात को सरकार से मनवा सकता है, ये उनके में कैलिबर होना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने लोगों को के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए और पूरे जो जो जिनसे पूरे हरियाणा के जनता को फायदा हो इस प्रकार की योजनाएं बनवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उनके पास पावर की अभी भी कमी नहीं जी। देखिए कहीं ना कहीं अगर पंडित राम कुमार गौतम की बात करें तो वो जो है अक्सर उनके जो बोल हैं वो बिगड़ते रहते हैं, अक्सर वो सुर्खियों में रहे हैं सिर्फ अपने बोलों की वजह से, लेकिन इस बार उन्होंने इतना कुछ कहा कि पार्टी जो है उनकी वजह से जीती, लेकिन बावजूद इसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ भी की, उनकी प्रशंसा की, लेकिन उनकी प्रशंसा करते करते साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है उनकी भी तारीफ कर दी, तो ये क्या संदेश जाता है इन चीजों से? मुझे लगता है जो उन्होंने ये बयान दिया उसी जनसभा में कि उनके कारण ही बीजेपी सत्ता में आई है जी। और उसको जो अपने आप को उन्होंने ये महसूस किया कि ये तो बयान इसके पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपने उन्होंने दिया है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे लगता है नायब सिंह सैनी को की तारीफ करनी पड़ी और उन्होंने कहा यू टर्न लिया उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि ये अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी थी और यही नहीं रुके बल्कि नायब सिंह सैनी के बारे में ये कहा कि जीत के लिए ट्रंप कार्ड नायब सिंह सैनी सिद्ध हुए हैं और नायब सिंह सैनी की वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है। उसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी तारीफ की उन्होंने साथ के साथ, तो वो क्या था? मुझे लगता है रामकुमार गौतम जी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो बयानबाजी की थी और उनके बारे में ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो आप लोगों को ये इस तरह के नुकसान उठाने पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि हुड्डा उनका नाम उन्होंने लिया था और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस तरह के फायदे होंगे, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने पहले की थी और कांग्रेस पार्टी को का नाम नहीं लिया बल्कि हुड्डा का नाम लिया था
और वो कहते हैं मेरे को इस प्रकार के बयान देने से, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट भाषणों में मेरा ये प्रयोग करने से उन्हें फायदा हुआ, इसलिए वो चुनाव जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नेक इंसान है, भले मानस है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं किसी तरह से कम नहीं मानता, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, तो उनका स्वतंत्रता से में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनके पूर्वजों का रहा है, इस तरह की बात उन्होंने की है, कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने माफी, इस तरह के बयान देकर माफी भी मांगी। यहाँ तक कि रामकुमार गौतम जी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था उनसे पहले भी ये कहा था कि अगर हरियाणा में पिंप और टाउट किस्म के लोगों को, विधायकों को अगर मंत्री बनाया जाएगा तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा, और अगर अच्छे आदमियों को मंत्री पद पर लिया जाता है तो वो हरियाणा के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने इच्छा जताई थी इस तरह का बयान देकर के उनको मंत्री बनाया जाए। दूसरी ओर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में एक पत्रकार ने जब ये पूछा था कि आपको भोजन कैसा लगा, खाना कैसा लगा, उन्होंने अपनी इस पीड़ा को जो एक फिर बयां किया था कि उन्होंने ये कहा और कि खीर तो मिली नहीं, हालांकि खीर की घोषणा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इशारा उनका इसी ओर था कि उनको मंत्री तो बनाया नहीं गया और घोषणा दूसरे मंत्रियों के बनाने की घोषणा की जा रही है, बल्कि उनको वंचित किया गया। इस प्रकार की जो उनकी जो मंत्री न बनने की पीड़ा है बार बार वो जी कहीं ना कहीं उनके जो बिगड़े बोल हैं वो मंत्री न बनने की जो उनकी पीड़ा है उसको दर्शाते रहे हैं, वो कहीं कहीं अपने जो अंदर की जो पीड़ा है वो बयां करते रहे हैं। जी राजनीति की बात करें तो राजनेता जो होता है उन्हें अपने जो शब्द हैं बड़े नाप तोल कर बोलने चाहिए कहीं, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता उनको फॉलो करती है और जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया होता है। अगर उनके बोल जो है वो बिगड़े होंगे, अगर उनके बोल जो है वो संयम में नहीं होंगे तो एक अच्छा संदेश वो नहीं लेके जाते। मेहरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।